Hello, bachcha party. Once again, welcome back into the class of SSP, the finest and the easiest way to learn the concept, the channel where you can feel the physics and then you realize that you are in love with the subject. So one more time, I'm here to make you all fall in love with the subject. So far, if you have not subscribed the channel, I think you should subscribe the channel and don't forget to press the bell icon because this is the only way so that you can get the latest update from the channel. All right. So aaj ka jo class hai, this class is from the chapter Laws of Motion. हालांकि अगर आप एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक को उठाएंगे तो आपको उसमें ये टॉपिक अलग से मिलेगा नहीं, बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि सर्कुलर मोशन के लिए फैक्टर कौन सा है. ओके, देखो सर्कुलर मोशन हमें समझना है तो क्या क्या मैं आज आपको इस क्लास में सिखाने वाला हूँ उसका एक बार आप देख लो, एनालिसिस कर लो. दीज आर द मेन पॉइंट्स. पहले मैं बताऊंगा आपको कि सर्कुलर मोशन के बारे में, दैट इज इंट्रोडक्शन. देन वी विल फोकस ऑन दीज टर्म्स लाइक एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, रिलेशन बिटवीन वी एंड ओमेगा, एंगुलर एक्सिलरेशन, एक्सिलरेशन फॉर सर्कुलर मोशन. दीज आर द पॉइंट्स ऑफ दिस लेक्चर. आपको लगेगा सर इतना सारा है, बट इतना सारा नहीं है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म्स है क्योंकि अगर आप जब तक ये टर्म्स नहीं समझोगे तो सर्कुलर मोशन के अंदर आप चल नहीं पाओगे. ठीक है, तो उन सभी चीज़ों को अगर फील करना है तो हमें ये समझना है. डोंट वरी, बहुत ही ईजिएस्ट वे के अंदर, ईजिएस्ट वे में आपको इन सारी चीज़ों से मैं निकाल के लेके चला जाऊँगा. समुद्र में डुबकी भी लगाओगे, बाहर भी निकल जाओगे, डूबोगे भी नहीं, आनंद लेकर के आओगे. ठीक है, चलिए तो क्लास स्टार्ट करते हैं. लेकिन स्टार्ट करने से पहले एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन कि फर्स्ट टू सिक्स, इफ़ यू सी द लेक्चर नंबर तो उसमें आई एस 7 या 8 होगा, मैं मुझे याद नहीं आ रहा, क्लास स्टार्ट कर दी है. तो इसका मतलब है कि 6 लेक्चर ऑलरेडी बेस्ड ऑन दिस चैप्टर लॉज ऑफ मोशन. तो अगर आपने वो नहीं देखा है तो उसको देखने के लिए क्या कर लो, डिस्क्रिप्शन के बॉक्स में चले जाइए आप, वहाँ पर आपको मिल जाएगा लिंक, मैंने लिखा भी है साफ साफ, लॉज ऑफ मोशन क्लिक कर लो, फील कर लो. या फिर दूसरा तरीका ये है कि अपने मोबाइल के स्क्रीन को कहीं पर भी टच करो, यू विल सी दैट सिंबल आई, उसे भी टच करोगे तो भी आपको प्रीवियस वीडियो की लिंक मिल जाएगी. और हाँ, अगर संडे की लवजी वीडियो और सैटरडे की लवजी वीडियो आपने अभी तक फॉलो नहीं किया है तो उसे जरूर कर लो क्योंकि वो है क्विक रिविजन फॉर दोज काइंड ऑफ स्टूडेंट्स जिनका टारगेट है जेईई मेन, जिनका टारगेट है नीट. वहाँ पर क्विक व्यू है पूरा क्लास 12 का. ओके, सो लेट्स बिगिन द क्लास बच्चा पार्टी. हम बात कर रहे हैं सबसे पहले इंट्रोडक्शन के अंदर, यानी सर्कुलर मोशन बेसिकली है क्या. देखिए, ऐसे देखा जाए तो डेली लाइफ में बहुत सारे एग्जांपल हैं. जैसे इफ़ आई टॉक अबाउट अ पॉइंट ऑन दैट फैन विच इज़ रोटेटिंग, ठीक है, एक पंखा चल रहा है, उस पर एक पार्टिकल है चिपका हुआ है. अब वो चिपका हुआ है, फैन चल रहा है यार, तो वो सर्कुलर मोशन है. मैं आपसे अगर पूछूं कि उस सर्कुलर मोशन के अंदर जो कि फैन के ब्लेड पर चिपका हुआ है पार्टिकल, वो अगर ऐसे सर्कुलेट कर रहा है तो ये सर्कुलर मोशन में हर एक टाइम पे, मतलब इन एवरी टाइम, हर एक टाइम बोलना क्या है, सभी टाइम पे क्या उस पार्टिकल की स्पीड कांस्टेंट है. तो बोल से यस सर, स्पीड कांस्टेंट है, बिल्कुल कांस्टेंट है, जब तक कि मैं रेगुलेटर को इंक्रीज ना करूं. पहले 3 की स्पीड पे चल रहा था, फिर मैंने उसको इंक्रीज करा तो फिर स्पीड बदल गया होगा. लेकिन किसी एक टाइम पर, एक अगर रेगुलेटर की पोजीशन आप चेंज ना करो तो स्पीड तो कांस्टेंट है. लेकिन वहीं पर अगर मैं आपसे पूछूं क्या हर एक पॉइंट पे वेलोसिटी कांस्टेंट है, व्हाट विल बी योर आंसर. टू अंडरस्टैंड दिस सिचुएशन ट्राई टू थिंक अबाउट द डिफरेंस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी. स्पीड इज नॉट अ वैक्टर क्वान्टिटी, ऑल राइट, बट द वेलोसिटी इज अ वैक्टर क्वान्टिटी. मतलब उसमें डायरेक्शन भी बदलता है. अगर वैक्टर क्वान्टिटी है तो डायरेक्शन भी मैंसन होगा और साथ ही साथ में क्या होगा, उसका मैग्नीट्यूड भी मेंशन होगा. अब मैंने क्या कहा कि एक फैन एक कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है, तो हर एक पॉइंट पे वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है. क्योंकि अगर डायरेक्शन चेंज नहीं होगा तो वो तो टर्न ही नहीं वो ले रहा होगा ना, वो तो पार्टिकल से स्ट्रेट चला जाता है, विच इज नॉट पॉसिबल, तो वो सर्कुलर मोशन नहीं है. यानी सर्कुलर मोशन के केस में एक चीज बच्चा लोग फिक्स है, मेक अ नोट, इन द केस ऑफ सर्कुलर मोशन वन थिंग इज फिक्स्ड जो कि हमें अपने मेमोरी कार्ड के अंदर स्टोर कर लेनी है. और वो चीज़ कौन सी है कि इसमें हमेशा जो वेलोसिटी होती है वो चेंज होती रहती है. स्पीड की बात नहीं कर रहा, बट आई एम टॉकिंग अबाउट, सॉरी, मैं मैग्नीट्यूड की बात नहीं कर रहा, बट आई एम टॉकिंग अबाउट इट्स डायरेक्शन. हर एक पॉइंट पे उसका डायरेक्शन बदल रहा है. सी दिस एग्जांपल, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे वेलोसिटी ऐसे है, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे वेलोसिटी नीचे है, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे वेलोसिटी ऐसे है. इट इज़ इन द डायरेक्शन ऑफ टेंजेंट. टेंजेंट पता है ना, जो लाइन इसको टच करते हुए चलेगी, ऐसे दैट इज वेलोसिटी, ऐसे दैट इज वेलोसिटी, ऐसे दैट इज वेलोसिटी. तो अगर हर जगह पर वेलोसिटी चेंज हो रही है तो ये कैसा मोशन हुआ, एक्सिलरेटेड मोशन. अगर ये एक्सिलरेटेड मोशन है तो इसका मतलब है कि इसमें फोर्स लगा होगा, और जब अगर इसके अंदर फोर्स आ गया तो इसका मतलब है कि उस फोर्स को हम क्या बोलेंगे जो सेंटर की तरफ लग रहा है. बहुत सारी चीजें हैं, सेंट्रीपेटल फोर्स, यस यू नो अबाउट दैट.
लेकिन वो जो है आपको दूसरे तीसरे लेक्चर में मिलेगा। आज हम समझते हैं कि ये जो सर्कुलर मोशन इस तरह से हो रहा है जहाँ पर स्पीड कांस्टेंट है, अगर स्पीड कांस्टेंट है तो आप उसको यूनिफॉर्म बोल दीजिए, अगर स्पीड कांस्टेंट नहीं है तो वो एक्सीलरेटेड सर्कुलर मोशन है। एक इसी तरह से एक और होता है रिटार्डेड, ठीक है। तीन तरह के सर्कुलर मोशन होते हैं, लेकिन जो मेनली अगर मैं एनसीईआरटी की बात करूँ, बोर्ड लेवल की बात करूँ, तो उसके अंदर सिर्फ क्या है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यानी कि हर एक जगह पर स्पीड कांस्टेंट है लेकिन डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। अगर वेलोसिटी चेंज तो एक्सीलरेशन आ गया, एक्सीलरेशन आ गया मतलब फोर्स आ गया। यही हमारे लिए सर्कुलर मोशन का इंट्रोडक्शन है। फिर से याद करिए मैंने क्या क्या बोल दिया, सर्कुलर मोशन, स्पीड कांस्टेंट, यूनिफॉर्म की बात कर रहा हूँ, ठीक है, वो रिटार्डेड और एक्सीलरेटेड आप अभी ज़्यादा उस पर टेंशन मत लो। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या है, तो हर एक पॉइंट पे स्पीड की वैल्यू कांस्टेंट है, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी इज चेंजिंग कंटिन्यूअसली, दैट इज काइंड ऑफ एक्सीलरेशन, और अगर एक्सीलरेशन हो रहा है तो इसका मतलब क्या है कि फोर्स लग रहा है, ठीक है। अगर आप फोर्स पढ़ोगे तो वो आता है सर्कुलर मोशन का डायनेमिक्स, अगर आप फोर्स के बारे में चर्चा नहीं कर रहे हो तो वो आता है फिजिक्स में काइनेमेटिक्स। जैसे आपने स्टार्ट किया होगा क्लास 11 का फिजिक्स, तो उसमें हम सबसे पहले क्या पढ़ रहे थे, फिजिक्स, फिजिकल वर्ल्ड है, फिर मैं आता डायमेंशन है ना, यूनिट, ये डायमेंशन फॉर्मूला आप निकाल रहे थे। थर्ड चैप्टर आपका था मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, तो वो जो मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन था और जो मोशन इन अ प्लेन था वो फिजिक्स में काइनेमेटिक्स में आता है। मतलब आप पार्टिकल के मोशन पे, क्यों मोशन हो रहा है उस पे चर्चा नहीं कर रहे हो, यू आर ओनली फोकसिंग दैट पार्टिकल इज मूविंग, दैट इज काइनेमेटिक्स। बट वेर एवर यू आर फोकसिंग ऑन why the particle is moving, that is the dynamics part of the circular, dynamics part of the physics. अब यहाँ पर circular motion है तो circular motion का kinematics और circular motion का dynamics, अगर आप circular motion के kinematics की बात करोगे तो वहाँ पर आप velocity पढ़ोगे, acceleration पढ़ोगे, दुनिया भर के terms ऐसे आएंगे, लेकिन अगर dynamics में आ गए तो कौन सा force लगा जिसकी वजह से ये हुआ वो आप study करोगे, ठीक है। यानी हम लोग क्या सीखने वाले हैं, circular motion की kinematics। चलिए, तो पहला पॉइंट लिखा है मैंने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। बच्चा एकदम सिंपल वे में आपको समझा रहा हूँ, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में से अगर मैं एंगुलर को निकाल दूँ तो आप इजीली समझ सकते हो कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट, दैट इज चेंज इन पोजीशन, सिंपल, चेंज इन पोजीशन, दैट इज डिस्प्लेसमेंट। बट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या हुआ, 100% इट मस्ट बी चेंज इन एंगुलर पोजीशन, बिकॉज देयर इज अ वर्ड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। इन दिस डायग्राम यू कैन सी कि पार्टिकल पहले यहाँ पे है, ठीक है, और अगर वो यहाँ से यहाँ पर आया तो उसका एंगल, यहाँ पर सपोज कुछ भी था, 30 डिग्री, 50 डिग्री, 10 डिग्री, वट एवर इट वॉज, अगर पार्टिकल यहाँ पे है, अगर मैं हॉरिजॉन्टल से एंगल की बात करूँ यहाँ से, तो इसका एंगल पहले इतू सा था, फिर वो यहाँ से यहाँ पर है, मतलब उसने अपना एंगल चेंज कर लिया, तो इसका मतलब हम उसको क्या बोलेंगे, एंगुलर, क्या सुनाई नहीं दे रहा हमको, फिर से बोलिए, दैट इज चेंज इन एंगुलर पोजिशन। और ये जो एंगुलर पोजीशन में चेंज है उसी को हम क्या बोलेंगे, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, दैट्स इट। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, चेंज इन पोजीशन, स्ट्रेट लाइन में पोजीशन चेंज हो रहा है, मैं यहाँ पे हूँ, आपके घर पे आ जाऊँ तो मैंने अपना पोजीशन चेंज कर, दैट इज अ काइंड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, है ना। लेकिन अगर हम बोलते हैं कि एंगल में जो चेंज आया, दैट इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, दैट्स इट। जैसे डिस्प्लेसमेंट का यूनिट क्या होता है, मीटर, वैसे ही एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का क्या होगा, मीटर नहीं होगा, बट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का यूनिट होता है, यू हैव टू रिमेंबर, दैट इज रेडियन, विच यू हैव लर्न इन द चैप्टर नंबर 2, दैट वॉज टू टाइप्स ऑफ सप्लीमेंट्री यूनिट, राइट, वन इज सॉलिड एंगल एंड अदर इज प्लेन एंगल। तो एंगल का रेडियन था, सॉलिड एंगल का क्या था, स्ट्रेडियन था, ठीक है। तो ये जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टर्म्स, क्योंकि इसके बाद ही आपको वेलोसिटी समझ में आएगी। तो क्या होता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर पोजिशन में भैया जो तुम्हारा चेंज आया, दैट इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो होता है बच्चा लोग, उसका यूनिट मैंने लिख दिया रेडियन। याद रखिएगा कि रेडियन को चेंज करना है, अगर मान लीजिए डिग्री में है तो रेडियन में बदलने के लिए आपको मल्टीप्लाई करना होगा पाई बाय 180 फैक्टर से। यानी अगर आपको कभी भी ऐसा दिखाई दे कि भैया 90 डिग्री, तो 90 डिग्री नहीं होगा वहाँ पे, एक्चुअल में क्या है, पाई बाय 2 है। सिंपली यू आर मल्टीप्लाई 90 विद दिस पाई बाय 180। अगर मैं 90 को पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करता हूं ना, आई विल गेट पाई बाय 2। अगर कहीं पर भी 180 डिग्री है तो इसका मतलब है कि वहाँ पर क्या है, पाई है। These are the terms which you have to remember. तो ये हो गया एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। चलिए बात करते हैं एंगुलर वेलोसिटी क्या। अच्छा, नॉर्मली वेलोसिटी क्या होता है, तो वेलोसिटी होता है सर डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम, सो डू यू मीन बाई एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, सॉरी एंगुलर वेलोसिटी। इफ आई एम सेइंग दैट वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम, तो एंगुलर वेलोसिटी का मतलब हुआ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम, यानी कि एंगल में कितना चेंज आया कितने टाइम में, मैं यहां से आपके घर पे पहुंचा कितने टाइम में, दैट इज व्हाट वेलोसिटी, मतलब आपके घर नहीं, ये कैमरे तक पहुंच गया, तो
दैट इज वेलोसिटी, यहाँ से वहाँ तक गया कितने टाइम में, दैट इज वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी। बट अगर मैं बोलूँ कि मैं ऐसे घूम गया एक सेकेंड में, इतना डिग्री टर्न लिया, दैट इज एंगुलर वेलोसिटी। एक सेकेंड में एंगुलर फैन की वेलोसिटी अगर मुझे जाननी है, सॉरी एंगुलर पोजिशन मुझे जानना है, इसका मुझे जानना है एंगुलर वेलोसिटी, तो अगर वो 10 सेकेंड में 20 डिग्री चेंज होता है फैन की स्पीड, 10 सेकेंड में 20 डिग्री, तो वो जो 20 डिग्री है 20 डिग्री दैट यू हैव टू कन्वर्ट इनटू रेडियन फर्स्ट ऑफ ऑल, तो वो 20 फिर उसके बाद रेडियन में कन्वर्ट कर दीजिए, डिवाइडेड बाय टाइम, दैट इज गोइंग टू सेट टू बी योर एंगुलर वेलोसिटी, दैट्स इट। सिंपल कंपैरिजन करो, गेट योर आंसर, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, तो एंगुलर वेलोसिटी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। सी द रेट ऑफ चेंज इन एंगुलर पोजिशन, यानी यहां से यहां तक जो एंगुलर पोजिशन में चेंज हुआ या एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो बना जितने टाइम में बना, दैट इज सेट टू बी बच्चा लोग एंगुलर वेलोसिटी। एंड वन मोर थिंग इज दैट कि एंगुलर वेलोसिटी को हम रिप्रेजेंट करेंगे अब से लेके लाइफ टाइम तक, जब तक सांस चल रही है तब तक, ओमेगा इज इक्वल टू डेल्टा थीटा बाय डेल्टा। अरे सिंपल है, याद करो, याद करिए, v इज इक्वल टू क्या होता था, डेल्टा x बाय डेल्टा t, डेल्टा r बाय डेल्टा t, दैट वॉज द टर्म्स रिलेटेड टू मोशन, लीनियर मोशन। बट ये एंगल की बात कर रहे हैं ना, इसलिए यहाँ पे डेल्टा थीटा डिवाइडेड बाय डेल्टा t है। वहां पर भी आप पढ़ते थे एवरेज वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, बट वो जो था एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी वो लीनियर में था, ये एंगल में है, थीटा आ रहा है इसके अंदर। वहां पर एवरेज इंस्टेंटेनियस था, यहाँ पे भी है ये एवरेज वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी और ये इंस्टेंटेनियस है। द ओनली डिफरेंस कि अगर ये डेल्टा के फॉर्म में आप लिमिट ले लोगे बाय टेकिंग लिमिट डेल्टा डी टेंस टू जीरो, तो ये डी थीटा बाय डी टी है। एक सेंटेंस में तुमको बताता हूं, उसको चिपका लो भेजे के अंदर। एवरेज एंगुलर वेलोसिटी आपको क्या देगा, आपको क्या देगा, एवरेज एंगुलर वेलोसिटी आपको परफेक्ट रीडिंग नहीं देगा, लेकिन जो इंस्टेंटेनियस है वो परफेक्ट रीडिंग देगा। जैसे मैं तुमको बोलूं कि 2 सेकेंड में भैया, 2 सेकेंड से 4 सेकेंड के अंदर बताइए एंगुलर वेलोसिटी, तो इसका मतलब मैं क्या पूछ रहा हूँ, आई एम आस्किंग अबाउट दिस एवरेज एंगुलर वेलोसिटी। लेकिन अगर मैं कहूँ एग्जिट 2 सेकेंड पे फैन की स्पीड क्या थी, दैट इज योर इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी। दोनों में क्या डिफरेंस आपको समझ में आया, डबल टाइम इंटरवल है, तो इसका मतलब है SSP पूछ रहे हैं एवरेज एंगुलर वेलोसिटी। लेकिन अगर सिंगल टाइम है तो इसका मतलब SSP आपसे पूछ रहे हैं कि बताइए भैया एग्जिट कितना उसका रफ्तार था उस फैन का, तो वो इंस्टेंटेनियस, इंस्टेंट नाम से पता चल रहा है, इसमें डिफरेंशिएशन है। और ये आपका इसके अंदर क्या करते हो, थीटा दिया होगा 2t² 4t, ऐसे टाइम के साथ वेरिएशन होगा, सिंपली यू हैव टू प्लेस द वैल्यू ऑफ टाइम। ठीक है, कंफ्यूज ना हो, मैं यहाँ पर एक एग्जांपल लिख देता हूँ, ऐसे लिखा थीटा 2t² + 4t, भाई दिख रहा है कैमरे पे, ये चेंज करना पड़ता है हमको पोजिशन, हाँ दिख रहा है, सबास, तो 2t² + 4t लिखा है, मैं बोल दूँ 2 सेकेंड 2 4 सेकेंड, बताइए इसकी एंगुलर वेलोसिटी, तो क्या करो, पहले 2 रख दो इसके अंदर, फिर 4 रख दो, तो वो निकल जाएगा थीटा एफ माइनस थीटा आई डिवाइडेड बाई 4 - 2, ये आपका एंगुलर वेलोसिटी। थीटा एफ का मतलब फाइनल टाइम रखा है इसके अंदर, थीटा आई का मतलब इनिशियल टाइम रखा, डिवाइड बाई कर दिया, तो आपको एंगुलर वेलोसिटी मिल गई, दैट्स इट। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं कि एंगुलर वेलोसिटी जो है वो कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है या फिर ये वेक्टर क्वांटिटी है। तो बच्चा पार्टी, जैसे वेलोसिटी इज नॉट अ स्केलर क्वांटिटी, वैसे एंगुलर वेलोसिटी इज नॉट अ स्केलर क्वांटिटी, एंगुलर वेलोसिटी इज ऑल्सो वैक्टर क्वांटिटी, बट द क्वेश्चन अराइजेज कि सर फिर इसका डायरेक्शन वहाँ कहाँ है, तो इसका डायरेक्शन जो है वो अलॉन्ग द एक्सिस होता है। यानी अगर एक पहिया ऐसे घूम रहा है इस तरह से, तो एक्सिस जिसके अराउंड में घूम रहा है वो कौन सी है, ऐसे है। ठीक है, अगर पहिया आपका इस तरह से घूम रहा है तो एक्सिस आपके साइड या तो पीछे की तरफ, मतलब अलोंग द एक्सिस है, अब कहां पर जा रहा है, आपके साइड है कि मेरे साइड है, उसको निकालने के लिए हमारे पास एक ट्रिक है। ट्रिक क्या है, आप देखिए, इमेजिन करिए कि ये जो व्हील है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है। ठीक है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है, तो 100% एक्सिस तो यही है, इस तरह से ये एक्सेस है। बट फिर एंगुलर वेलोसिटी, अगर पहिया इस तरह से घूमे तो आउटसाइड या फिर इनसाइड, तो यू हैव टू रिमेंबर कि व्हेनेवर इट इज मूविंग इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन, देन द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी इज ऑलवेज टुवर्ड्स द प्लेन, और यू कैन से इनसाइड ऑफ द प्लेन, इनसाइड ऑफ योर पेपर, इनसाइड ऑफ योर नोटबुक, जो भी है अंदर की तरफ। जैसे यार नल है ना, घर में सभी के होता है, नल को आप घुमाते हो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, अंदर जाता है ऐसे, टाइट हो जाता है, इसको ढीला करते हो ऊपर आता है, बस वही सिचुएशन तो है। ये आपका इस तरह से है,
इनसाइड, मतलब आप ऐसे टाइट कर रहे हो तो अंदर की तरफ जाएगा, इसलिए इनसाइड बोल दिया गया है। ऐसे खोलोगे तो नल आपका ऊपर की तरफ आएगा, आउटसाइड है। या दूसरा भी तरीका है, इसको क्लास 12 के बच्चा लोग जानते होंगे, क्लास 11 के बच्चा लोग, तो उनको बता दूं कि ये जो आपकी चार उंगलियां हैं वो इस डायरेक्शन में रख दीजिए, जिस डायरेक्शन में घूम रहा है, जो आपका थंब है ना, थंब वो बताएगा अंदर की तरफ। इसमें देखो ये ऐसे चल रहा है, मैंने चार उंगली रख दी इस डायरेक्शन में, थंब आपको जो है बता रहा है कि ये आउटसाइड है, दैट्स इट। सो दिस इज ऑल अबाउट एंगुलर वेलोसिटी। टेक अ स्क्रीनशॉट, देन वी विल डिस्कस ऑन एंगुलर एक्सीलरेशन। टेक अ स्क्रीनशॉट बच्चा पार्टी। अरे वाह, ये तो जादू हो गया, मुझे आप लोगों को पढ़ाना है, पर ये क्या हो गया? ठीक है, खून में है मिमिक्री का। चलिए देखिए, बन जाएगा, कहा बनना चाहते हो, बन जाएगा, कहा सिखाना था हमको। अरे देखो, ओके बच्चा पार्टी, सो द वेरी नेक्स्ट पॉइंट ऑफ दिस लेक्चर इज ऑल अबाउट रिलेशन बिटवीन वी एंड ओमेगा। ठीक है, अरे वाह, वी एंड ओमेगा तो मुझे नहीं सिखाया गया था, ठीक है मैं आपको सिखा सकता हूँ। नहीं ऐसी बात भी नहीं है, मैं चाहता हूँ कि कभी भी अपने अंदर आई डोंट वॉन्ट टू से दैट, बट मुझे लगता है बच्चा पार्टी, कभी कभी लाइफ में बहुत ज़रूरी होता है, अगर कुछ ज्ञान मिले चाहे जहाँ से मिले ले लेना चाहिए। ठीक है, तो आज इस लेक्चर के माध्यम से मैं आप लोगों को एक चीज़ सिखाना चाहूँगा, जीवन में कभी भी कितनी भी ऊंचाई पर पहुँच जाओ लेकिन विनम्रता मत छोड़ना, क्योंकि जिस दिन से आपके अंदर मैं और ऐसे अहंकार आना शुरू हो जाएगा ना, तो समझ लीजिए कि फिर आप लाइफ में और आगे नहीं जा पाओगे, बस वहीं पर आप रुक जाओगे। सो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दिस सिचुएशन। क्यों कहा मैंने, क्यों कहा, क्या रीज़न हो सकता है? देयर आर सो मेनी थिंग्स। ओके चलिए देखिए, हाँ हो जाता है कभी कभी ना, माइंड से ऐसे कुछ भी आ जाता है, बट वो बहुत ज़रूरी लेसन था जो मैंने आपको बोला। ठीक है, आज भी मैं ये सोचता हूँ कि लाइफ में आपको जहाँ से जैसी भी सिचुएशन से सीखने को मिले ना, सीख लेना चाहिए। कभी भी आप ये मत सोचिए कि आप एकदम परिपक्व हैं, पूर्ण तरीके से आपको, मतलब आपको सब कुछ आता है, भगवान है, देवता है, ऐसा कुछ नहीं है यार। लाइफ में हमेशा सीखना चाहिए, चाहे वो एक छोटा सा बच्चा ही क्यों ना हो, वो आपको कुछ सिखा के जा सकता है। कोई बहुत ही एजेड पर्सन क्यों नहीं है, वो भी आपको सिखा के जा सकते हैं। इट इज़ यू हु हैज़ टू अंडरस्टैंड कि मुझे सीखना है, लर्निंग की क्वालिटी, ये चीज़ याद रखिएगा। चलिए देखिए, रिलेशन बिटवीन वी एंड ओमेगा, खैर वो तो ऋतिक रोशन की आवाज़ थी, अब हमें जानना है कि ये लीनियर स्पीड और एंगुलर स्पीड में क्या रिलेशन है। वी आपके लिए लीनियर स्पीड, ओमेगा आपके लिए एंगुलर स्पीड। अब आप बोलेंगे सर आपने वेलोसिटी पढ़ाया, तो भाई साहब इसी का जो मैग्नीट्यूड होगा वेलोसिटी का, वही तो आपके लिए स्पीड है। ठीक है, तो अब देखिए वी एंड ओमेगा में हमें रिलेशन चाहिए। तो पार्टिकल इस तरह से चल रहा है, अगर पार्टिकल ऐसे चल रहा है तो वो पी से पी डैश पर आया तो उसने कितना डिस्टेंस कवर करा, देखिए डिस्टेंस पी पी डैश जितना कवर किया, कितना टाइम लिया तो हमने मान लिया डेल्टा टी। सिंपल, स्पीड इज इक्वल टू, यहाँ पे वी लिखा गया है, डिस्टेंस दैट इज पी पी डैश डिवाइडेड बाई टाइम डेल्टा टी। तो अब ये निकालने के लिए मैंने यहाँ पर फॉर्मूला यूज़ किया, थीटा इज इक्वल टू आर्क डिवाइडेड बाई रेडियस। सो इफ़ यू यूज़ दिस इक्वेशन थीटा आर्क बाई रेडियस, तो आर्क हमारा पी पी डैश है और रेडियस आपके लिए कितना है आर है और एंगल कितना है डेल्टा थीटा है, तो पी पी डैश आ जाएगा आर डेल्टा थीटा। इसे आप यहाँ पर सेट कर दीजिए तो देखिए आ गया आर डेल्टा थीटा डिवाइडेड बाई डेल्टा टी। ओके, अब ये जो डेल्टा थीटा डिवाइड बाई डेल्टा टी है, यही तो आपने थोड़ी देर पहले पढ़ा कि वो एंगुलर वेलोसिटी, तो ये रिलेशन आ गया वी इज इक्वल टू आर ओमेगा। मेमोरी कार्ड के अंदर स्टोर कर लो, वी इज इक्वल टू आर ओमेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट इक्वेशन है हर जगह पे, क्लास 12 के अंदर बहुत जगह पे, हर जगह इन द सेंस जहाँ जहाँ पे जरूरत पड़ेगी, अगर आप भूल जाओगे तो फिर फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो याद रखिए वी इज इक्वल टू आर ओमेगा। खैर ये जो है ना बच्चा लोग, इसको हम कहते हैं स्केलर रिलेशन, इसमें कहीं पर वैक्टर नहीं है, क्योंकि ये तो स्पीड मैंने बोला ना, बट अगर मैं ये लीनियर वेलोसिटी कंसिडर कर लूँ तो इसकी तो डायरेक्शन आ जाएगी। तो इसको हम कहते हैं स्केलर रिलेशन बिटवीन वी एंड ओमेगा, और जो वेक्टर रिलेशन होता है वो होता है वी इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस आर, वी इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस आर। ये मान लिया गया है कि ओमेगा क्रॉस आर अगर वेक्टर रिलेशन है, ऐसा मान लिया गया है, तो क्या वाकई में ओमेगा और आर के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वी है? ये जो मैंने बोला वो क्या बोला मैंने, कि ओमेगा और आर के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वेलोसिटी है या फिर नहीं है,
वो कैसे मैं बोल रहा हूँ परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, क्योंकि ये तो क्रॉस प्रोडक्ट है ना, और क्रॉस प्रोडक्ट की खास बात क्या होती है, आपने पढ़ा है, मैंने पढ़ाया भी है, मोशन इन अ प्लेन के अंदर आपने देखा होगा, नहीं देखा होगा तो देख लीजिएगा। मोशन इन अ प्लेन में अगर मान लो ये आई कैप है, ये जे कैप है, तो वेलोसिटी 100% कहाँ होनी चाहिए, के कैप डायरेक्शन में। अब इस चीज़ को हम समझते हैं कि क्या वाकई अगर एक पार्टिकल ऐसे घूम रहा है, पार्टिकल ऐसे घूम रहा है तो इन दोनों के परपेंडिकुलर में वी है, बिल्कुल है भाई, देखो फील करो इस बात को, पार्टिकल ऐसे चल रहा है तो सीधी सी बात है इसका अलॉन्ग द एक्सिस ये है, और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इनसाइड मतलब ऐसे पीछे की तरफ गया। हमने मान लिया कन्वीनियंट वे में कि ये जो है आपका पॉजिटिव एक्स या आपका पॉजिटिव वाई, ये पॉजिटिव जेड जो आपकी तरफ आ रहा है और अंदर की तरफ जो जा रहा है वो है आपका नेगेटिव जेड। तो क्योंकि ओमेगा का डायरेक्शन इस तरफ अंदर की साइड है तो मैंने माइनस के कैप लिखा, क्योंकि मैंने इसे जेड माना है। फिर साथ में आर है, आर बेसिकली यहाँ पे अब आप बोलेंगे सर रेडियस है, रेडियस थोड़ी चेंज होता है, बट डायरेक्शन तो उसका बदल रहा है, पोजीशन वेक्टर है, ऐसे ऊपर की तरफ इस पर्टिकुलर पॉइंट पे है, तो ये है आपका जे कैप। अब अगर हम ओमेगा क्रॉस आर निकाल लें तो ओमेगा मतलब के कैप माइनस में, और आर निकाल दें तो जे कैप, और के क्रॉस जे का रिजल्ट क्या होता है बच्चा लोग, दैट इज माइनस आई कैप। आई जे के सीक्वेंस में चलते हैं तो प्लस में आता है, अपोजिट चलते हो तो माइनस हो जाता है। सो के क्रॉस जे ये हो गया माइनस आई कैप, माइनस और माइनस क्या हो गया प्लस, यहाँ पे के क्रॉस जे आई कैप, यस प्लस आई कैप। तो ये जो प्लस आई कैप है वो किसका रिजल्ट है, इन दोनों का रिजल्ट है आई कैप, और वो भी प्लस में आ रहा है, मतलब वेलोसिटी यहाँ पे है। तो ये सिर्फ समझाने के लिए ताकि तुम्हें फील आ जाए कि जो ओमेगा क्रॉस आ रहा है सही है कि गलत है, क्योंकि देखो आर ओमेगा तो रिलेशन है ही आपका स्केलर रिलेशन, लेकिन वेक्टर रिलेशन में यही सत्य है, वी इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस आर। लेकिन अगर आप आर क्रॉस ओमेगा लिखना चाहोगे तो आगे साइन माइनस कर देना, इट्स अ प्रॉपर्टी ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट, ठीक है। तो ये आपका हो गया रिलेशन बिटवीन वी एंड ओमेगा, टेक अ स्क्रीनशॉट, फिर आगे मैं इस लेक्चर की सबसे लास्ट बात आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ओके बच्चा, सो लेट अस सी द नेक्स्ट पॉइंट ऑफ दिस क्लास, एंगुलर एक्सेलरेशन। जैसे एक्सेलरेशन है, वेलोसिटी में चेंज आया तो वो एक्सेलरेशन है, लेकिन अगर एंगुलर वेलोसिटी में चेंज आया तो वो एंगुलर एक्सेलरेशन है। पार्टिकल की एंगुलर वेलोसिटी 10 रेडियन पर सेकेंड थी, 10 रेडियन पर सेकेंड से 20 रेडियन पर सेकेंड हो गई, कितने टाइम में, दैट इज योर एंगुलर एक्सेलरेशन, ठीक है। जैसे आप नॉर्मली एक्सेलरेशन को डिफाइन करते हो वैसे ही एंगुलर एक्सेलरेशन है, यानी हम यहाँ कह सकते हैं कि जो dv बाई dt हुआ करता था वह अब हो जाएगा d ओमेगा डिवाइडेड बाई dt। जैसे एक्सेलरेशन वेक्टर क्वांटिटी है वैसे ही एंगुलर एक्सेलरेशन भी वेक्टर क्वेश्चन होता है, वो बिल्कुल एंगुलर वेलोसिटी के डायरेक्शन में ही होता है। जैसे नॉर्मल एक्सेलरेशन की डायरेक्शन वेलोसिटी के डायरेक्शन में होती है, हमेशा नहीं, एक्सेलरेशन वेलोसिटी के डायरेक्शन में अगर है तो उस टाइम पे स्पीड इंक्रीज हो रहा होगा, अगर स्पीड डिक्रीज हुआ तो उस टाइम पे एक्सेलरेशन और वेलोसिटी का डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट होता है, और जब एक्सेलरेशन और वेलोसिटी का डायरेक्शन 90 डिग्री होता है तो उस टाइम पे स्पीड कांस्टेंट होता है, सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन चेंज होता है। कम ऑन, मैंने कौन सी बात बोली, प्लीज से ध्यान से सुनिए। अगर वी और ए एक ही डायरेक्शन में है तो इसका मतलब है कि वहां पे स्पीड इंक्रीज हुआ, अगर वेलोसिटी और एक्सेलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में है तो स्पीड डिक्रीज हुआ, लेकिन अगर दोनों 90 डिग्री पर है तो सिर्फ डायरेक्शन चेंज हो जाती है, वही वाली केस यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की केस बनती है। वैसे ही एंगुलर एक्सेलरेशन ठीक है एंगुलर वेलोसिटी के डायरेक्शन में होता है, बट हमेशा नहीं, अगर एंगुलर वेलोसिटी बढ़ेगा तो दोनों एक ही डायरेक्शन में रहेंगे पैरेलल, जहां पर ओमेगा है वहीं पे अल्फा है, ओमेगा के डायरेक्शन आपको पता है वो डायरेक्शन एंगल जिस एक्सिस पे रोटेट हो रहा है वो, और अगर एंगुलर स्पीड कम होता है तो दोनों ही एक दूसरे के अपोजिट हो जाते हैं, एंटी पैरेलल हो जाते हैं, जहां पर अल्फा ओमेगा होगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या होगा अल्फा होगा, ठीक वैसे ही जैसे कि लीनियर मोशन के केसेस में है कि वेलोसिटी और एक्सीलरेशन का डायरेक्शन। खैर ये तो हो गया आपका एंगुलर एक्सीलरेशन, इसका यूनिट रेडियन पर सेकेंड का स्क्वायर, वेक्टर क्वांटिटी है बिल्कुल, डायरेक्शन इस हिसाब से आप नोट कर सकते हैं। चलिए अब एक और चीज हम समझते हैं, एक्सीलरेशन फॉर द सर्कुलर मोशन, यानी अगर सर्कुलर मोशन हो रहा है, अब वो यूनिफॉर्म है कि आपका रिटार्डेड है कि आपका एक्सेलरेटेड है डजंट मैटर, लेकिन जो एक्सेलरेशन है सर्कुलर मोशन के अंदर वो कितने तरह की है वो देखिए। अगर आप इस डायग्राम को ऑब्जर्व करो तो एक व्हील है जो इस तरह से घूम रहा है, पहिया ऐसे घूम रहा है, ठीक है, उसे हमने 3D पिक्चर में इस तरह से इमेजिन किया। अब क्योंकि ये इस डायरेक्शन में ऐसे घूम रहा है तो ये है एंगल
ऑफ एक्सेस ऑफ द रोटेशन, तो ये मे बी ओमेगा अल्फा हो सकता है. हो सकता है क्या? 100% ही होगा, क्योंकि इसी एक्सेस के अराउंड में घूम रहा है, तो ये ओमेगा और अल्फा है. दिस इज योर रेडियस, और जो टेंजेंट की डायरेक्शन में है ये वाला जो डायरेक्शन है ये आपका वेलोसिटी है. अब हम इमेजिन कर लेते हैं कि ये वाली जो एक्सेस है वो वाई है, ये वाली जो एक्सेस है वो एक्स है, और ये वाली जो एक्सेस है वो क्या है? जेड है. हमारे पास ये सुंदर सा रिलेशन है, वी इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस आर. ठीक है, हमने बच्चा लोग इसका क्या कर दिया? डिफरेंशिएशन कर दिया. जब दो टर्म्स का डिफरेंशिएशन होता है तो आप क्या करते हो? आप एक टर्म्स का डिफरेंशिएशन करते हो, सेकंड वाले को कांस्टेंट कर देते हो. तो वही चीज मैंने किया, डी ओमेगा बाई डी टी, आर को कांस्टेंट रखा, प्लस ओमेगा एज इट इज. नाउ वी विल राइट डी आर बाई डी टी, और ये जो डी आर बाई डी टी है दिस इज वॉट? वेलोसिटी. पढ़ चुके हो आप वेलोसिटी. ये जो डी ओमेगा बाई डी टी है ये देखिए क्या है? अल्फा है. तो अब अल्फा क्रॉस आर एंड ओमेगा क्रॉस वी, और ये जो डी वी बाई डी टी है दैट इज योर नॉर्मल एक्सेलरेशन. क्लियर बात? अब देखिए अल्फा का डायरेक्शन कहां पर? अल्फा का डायरेक्शन इस डायरेक्शन में ही हो सकता है, यानी वाई डायरेक्शन में, और आर का जो डायरेक्शन है वो यहां पर है. इस सिचुएशन में ऐसे है, अगर आर का डायरेक्शन यहां पर है, अल्फा का डायरेक्शन यहां पर है, तो हम अल्फा को वाई कह रहे हैं, वाई मतलब जे कैप, और इस आर को कह रहे हैं एक्स, यानी कि आई कैप. अब जे क्रॉस आई का रिजल्ट क्या होगा? के कैप होगा, और के कैप में कौन है बच्चा लोग? ये देखिए, ये वेलोसिटी, और ये इसको टच कर रही है, इसको टच कर रही है, इसीलिए इसका नाम पड़ा है टेंजेंट, और इसे हम कहेंगे टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ द एक्सेलरेशन. वेरी इजी. नेक्स्ट वन इज ओमेगा क्रॉस वी. वेर इज द डायरेक्शन ऑफ ओमेगा? आस्क योरसेल्फ, ओमेगा का डायरेक्शन कहां पर है? तो ओमेगा का डायरेक्शन है ये वाई, यानी कि जे कैप. वी का डायरेक्शन कहां पर है? जेड, यानी के कैप. तो जे कैप और के कैप का रिजल्ट जो है वो आपका एक्स ही आने वाला है, एंड दैट इज योर आई कैप. और आई कैप में ये देखो रेडियस है, इसीलिए हमने इसको बोला रेडियल एक्सेलरेशन ऑफ द कंपोनेंट. मतलब कि कभी भी सर्कुलर मोशन अगर हो रहा है इस तरह से, तो एक तो ये वाली वेलोसिटी का जो डायरेक्शन चेंज हो रहा है उसकी वजह से जनरेट हुआ, इसकी वजह से जनरेट हुआ टेंजेंट, और जो सेंटर की तरफ लग रहा है वो आपका हो गया रेडियल एक्सेलरेशन. दोनों तरह के एक्सेलरेशन, टेंजेंट भी और रेडियल भी. अच्छा, मैं अगर आपसे पूछूं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में ये तो चेंज हुआ नहीं, इसके स्पीड कांस्टेंट है, तो टेंजेंट जीरो हो जाएगा, लेकिन ये जीरो नहीं हो सकता. क्यों जीरो नहीं हो सकता? क्योंकि अगर ये जीरो हो जाए तो फिर पार्टिकल सर्कुलेट ही नहीं कर सकता. ये जीरो हो सकता है लेकिन ये कभी भी जीरो नहीं हो सकता है. आई बात समझ में? और फिर ये वेक्टर है, ये भी वेक्टर है, तो जो रिजल्ट है वो हमेशा कैसे निकलता है? इस तरह से, फॉर्मूले से. क्योंकि अगर आपके पास में एक आई कैप है, एक जे कैप है, तो हाउ टू फाइंड द रिजल्टेंट वेक्टर? सो इट्स इजी. इफ यू हैव टू आई कैप प्लस थ्री जे कैप, तो रिजल्ट आप कैसे लिखते हो? टू का फोर, टू का स्क्वायर फोर, प्लस कंपोनेंट का स्क्वायर करके अंडर रूट करते हो. तो ये आपका तरीका हो गया. अब जरा और डिटेल में समझिए. If I talk about radial acceleration and that is your omega cross v, if you remove the cross we have to use sine theta, और omega और v कोई भी situation ले लीजिए, omega की है v की है, सबके बीच में angle 90 degree बनेगा, 90 degree omega v, v के जगह पर r omega, and also we can write this r omega square, or we can say this omega is v by r, cancel, तो v square by r. It is very very important equation. Next lecture इसी पर based है. We are going to focus on the dynamics of the circular motion. So you have to remember that radial acceleration, that is your v square by r. और अगर tangential की मैं बात करूँ, tangential acceleration, that is your alpha cross r. So that is your alpha r sine 90. Again, किसी के भी बीच में angle 90 degree बनेगा. And see, बच्चा लोग, ये जो alpha r है, इसको आप dv by dt भी समझ सकते हो. कैसे? अगर मैं v के जगह पर लिख दूँ r omega, इसके जगह पे लिख दूं मैं r ओमेगा, और अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूं तो r का तो हो नहीं सकता, और ये जो d ओमेगा बाई dt है दैट इज गोइंग टू बी योर अल्फा, सो r इंटू अल्फा. सो दिस इज डन फ्रॉम टुडे सेशन, एंड आई होप यू ऑल हैव एन्जॉयड द लेक्चर बच्चा पार्टी. और अगर इसे एन्जॉय किया है तो डोंट फॉरगेट टू शेयर एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल. क्योंकि इसी तरह से क्लास 11, क्लास 12 तो पूरी तरह से फिनिश हो चुका है, और क्लास 11 का भी पूरा टारगेट है मेरा कि हम ये एंड ऑफ द ईयर के लगभग हम लोग पूरा सिलेबस खत्म कर चुके होंगे. उसके बाद पूरा फोकस जेई मेंस और नीट पर होगा. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ऑल द वीडियोस. मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में. टिल देन डू व्हाटएवर यू वांट टू डू मैन, बट डोंट ट्रबल यू मॉम. टेक केयर. बाय बाय.